पाली में माड़वा जंक्शन का बालिका विद्यालय जर्जर हालातों में पहुंच गया है और स्कूल की स्थिति बदहाल हो गई, जिससे स्कूल में हर समय मौत मंडराती रहती है, लेकिन स्कूल शासन प्रशासन की उपेक्षा का शिकार बना हुआ है। मंगलवार को कई कमरों में अचानक छत का मलबा गिरा, जिससे पूरे स्कूल में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं मलबा गिरने की सूचना पर भी कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे। जानकारी के अनुसार बीते 2 सालों में यही हालात बने हुए हैं। स्कूल के सभी 16 कमरे पूरी तरह से जीर्ण शीर्ण हालात में पहुंच चुके हैं। स्कूल स्टाफ ने कई बार प्रशासन और विधायक को अवगत कराया, लेकिन किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। हर कमरे में लगभग यही स्थिति है, छत ऐसी गिर रही है। मैं कल बैठी थी और जस्ट ये मानो 1 सेकंड के लिए मैं इधर हुई और उतने में वो जोर से गिरा। अगर मैं वहां होती तो शायद आज इस समय मैं हॉस्पिटल में रहती, इतना भयंकर हादसा हुआ था। और आज से नहीं हो रहा, लगभग 2 साल से ऐसा ही चल रहा है। जैसे ही बारिश का मौसम होता है या 2 बूंद भी बारिश होती है, छतें कहीं से गिरती रहती हैं। बच्चों को क्लास में बिठाते थे तो भी ये बोल के बैठते थे कि पिलर के नीचे या कोने के नीचे ऐसी जगह बैठो जहाँ छत थोड़ा लगते हुए सुरक्षित है। सर, ग्लास से गिर रहा है छतों से, बार बार हमने शिक्षा विभाग को भी अवगत कराया और इस विद्यालय में बोर्ड परीक्षा आयोजित होती है उसके बारे में भी हमने बताया कि कभी भी कोई हादसा हो सकता है।